लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट आप पता करें, लेकिन आप उसकी कॉस्ट सुन के हिल गए हैं कि क्यों इतनी ज्यादा है। तो मेरा सिंपल जवाब है कि कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप दुबई जाएंगे तो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट 25 लाख से कम पे नहीं होता। हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट हमने फिर भी दुबई के मुकाबले ना बराबर रखी हुई है। दुनिया में सिर्फ 3 या 4 सेंटर्स हैं जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कॉस्ट ज्यादा क्यों है कन्वेंशनल उससे के मुकाबले, टेक्निक्स के मुकाबले? 1, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर होता है, सारी टीम की तिगनी चौगनी मेहनत लगती है, मेरे खुद की इन्वॉल्वमेंट पर्सनली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट के मुकाबले मेरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कैसे होती है? आप ये सोचेंगे कि क्या दूसरी टेक्निक्स में आप आते नहीं हो? नहीं, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। जब मैं उसकी हेयर हार्वेस्टेशन कर रहा हूं तो जो नॉर्मली मुझे 20 मिनट लगते हैं, इसमें कम से कम 1 घंटा लगता है, बहुत मुश्किल होता है निकालना। जब मैं स्पेसिंग करता हूं तो नॉर्मली मुझे 30-40 मिनट लगते हैं, इसमें 1.5-1.5 घंटा तक लग जाता है, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, वो क्योंकि बालों के बीच में ढूंढ ढूंढ के बिना डैमेज करें स्पेसिंग करनी पड़ती है। इम्प्लांटेशन इटसेल्फ अगर 3 घंटे नॉर्मली लगते हैं तो उसमें कम से कम 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है बालों को बीच बीच में सेपरेट करके, एक एक को ढूंढ ढूंढ के। बालों की सेपरेशन बहुत मुश्किल है, 2 घंटे की जगह 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सो पूरा का पूरा प्रोसेस जटिल हो जाता है, बट रिजल्ट 100% रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं तो इससे अच्छी टेक्निक कोई है नहीं।